आज की क्लासेस में हम बात करते हैं, हम किसकी, क्वेश्चन रूल की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन रूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में हाँ जी क्वेश्चन रूल अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन रूल में क्या होगा, अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होंगे, दो फंक्शन अब डिवाइड होंगे। तो जब दो फंक्शन आपके डिवाइड होंगे, जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, मैं क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, चलिए मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूं। दो फंक्शन डिवाइड होंगे, अब उसमें क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, क्लियर है आपके पास में, दूसरे फंक्शन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का साइन आएगा। अब पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, ले लेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। यहां पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं आपके, डिवाइड हो रहे हैं, तो आपका यहां पर आपका क्वेश्चन रूल लगेगा। तो एक आपका था प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हो रहे थे, और जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो क्या होता है आपका, आपका क्वेश्चन रूल लगता है। तो कैसे करेंगे उसको देख लीजिएगा। चलिए इस पूरे को मैं क्या करता हूं, y के इक्वल लेट कर लेता हूं। तो मेरे पास में डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो पहले मुझे मेरे पास में क्या है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस केस को मैं ये बोल सकता हूं आपसे, डेरिवेटिव कभी भी आपको लेना हो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, सिंपल वे में अगर मैं इसको बोलूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं d अपॉन dx अगर आप ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, तो सबसे पहले आपका नोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई माइनस, अब नोमिनेटर सेम, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेना है और अपॉन में डिनोमिनेटर का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बेसिकली करना क्या है, क्लियर है बच्चों? हां जी। तो अब आप यहां पर देखेंगे इस केस को, y को, तो अपॉन में dy वाई अपॉन डी एक्स। अगर आप यहां देखेंगे तो आपके पास में नोमिनेटर का आप यहां पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले, तो d अपॉन डी एक्स किसका, नोमिनेटर का, तो क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस टू, और डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, फिर माइनस, अब नोमिनेटर का ऑलरेडी हो चुका है तो आप पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि एक से ज्यादा संख्या माइनस होती है तो ब्रैकेट में काम करते हैं, प्लस टू, क्लियर है बच्चे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे ध्यान रखना क्योंकि एक से ज्यादा संख्या माइनस हो रही है। अब इसके बाद में डेरिवेटिव किसका हो जाएगा आपका, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स कट आपके पास में डेरिवेटिव होगा इनटू डी अपॉन डी एक्स किसका, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स का। हां जी, अब अगर आप देखेंगे यहां पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या जाएगा आपके पास में 2x, और 2 तो 0 हो जाएगा आपके पास में बच्चे, और ये तो आपके पास में सेम 3x स्क्वायर प्लस 5x, और पूरा आपका ये ब्रैकेट में है माइनस, यहां पर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहां पर आपके पास में हो जाएगा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 6x, और इसके आपके पास में 5, क्लियर है बच्चे? तो ये आपके, और आपके पास में, सॉरी यहां पर एक गड़बड़ कर दी हमने, अब तो इसको इरेज ही करना पड़ेगा। देखिए डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम, 3x स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर करेंगे। अब देखेंगे क्या करना है, आपने डेरिवेटिव आप ले रहे हो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, 2x आएगा, और ये तो आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज रहेगा, और माइनस यहां पर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहां पे डेरिवेटिव में आपके पास में इसका लेंगे तो आपके पास में 6x प्लस 5, और अपॉन आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है डेरिवेटिव लेना आ गया होगा।
क्लियर है बच्चों, समझे? हाँ जी, y इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, 2x+1। चलिए आप ट्राई करेंगे, पहले आप ट्राई करें, अब आप क्लियर है? सिंप्लीफाई बच्चे, अभी मैं तो मैंने आपको क्वेश्चन रूल सिखाया है, अब आपने इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी आप जो है फिर आपस से मल्टीप्लाई करके फिर आप प्लस माइनस कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में पूरा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं, यहां पर स्पेस नहीं बचा मेरे पास में। हाँ जी, जरा आप इस क्वेश्चन करें। हेलो, करो बच्चे इसको। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन, यहां पे देखेंगे आप तो आपको डेरिवेटिव लेना है dy/dx इक्वल्स टू, तो सबसे पहले आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो आप डेरिवेटिव ले लीजिए 2x+1 का, और दूसरा फंक्शन आपके पास में x-1 सेम रहने देंगे, उसके बाद आपका माइनस, और आप पहला फंक्शन आपका सेम रहेगा लेकिन ध्यान रखिएगा बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे 2x+1, और आपका दूसरा जो फंक्शन था डिनोमिनेटर आपका जो है उसका आपका डेरिवेटिव होगा, तो d/dx जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के आपके पास में x-1 है। क्लियर है बच्चे, ये आपके पास में है, और अगर आप इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में x क्लियर है बच्चे, dy/dx इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो आपके पास में सबसे पहले फर्स्ट का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास में क्या आएगा x, और ये तो जीरो हो जाएगा, और ये आपके पास में x-1, अब माइनस आपके पास में 2x+1, इसका डेरिवेटिव लेंगे आपके पास में तो क्या आएगा आपके पास में 1। सॉल्व करेंगे हम इसको x-1 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो dy/dx इक्वल्स टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में x² - x, यहां सॉल्व करेंगे अगर आप तो आपके पास में क्या आएगा 2x+1। ठीक है बच्चे, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले x² फिर इसको करेंगे तो -x, और यहां पर अगर आपने सॉल्व करा एक से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास में, डिनोमिनेटर में आपके पास में है x-1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे अगर आप इसको बच्चे, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं नहीं तो मैच हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये कलर नहीं चलेगा, इस पे व्हाइट कलर लेता हूं, सही चलेगा। dy/dx इक्वल्स टू, तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास में क्या रहने वाला है x²-2x और -x, कितना जगह आपका -3x हो जाएगा, -x - 2x, तो -3x, माइनस का साइन कभी ब्रैकेट में जाएगा तो साइन चेंज कर देता है, तो -2x हो जाएगा और ये आपके पास में -1 होगा। क्लियर है बच्चे, और नीचे आप देखेंगे अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे a-b² का, तो a² + b² और -2ab, तो 2 × a × b, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। क्लियर है बच्चे, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं dy/dx इक्वल्स टू, तो x²-3x -1/x²-2x + 1, दिस वन।
क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को? सॉरी, 2ab है ना, एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 2x प्लस 1 और माइनस 3x, ओहो ये पूरा गड़बड़ यहीं से चलता आ रहा है क्या हमारे पास में? यहां पे हमारे पास में 2 उसका डेरिवेटिव आएगा, हाँ जी देखिए बच्चे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो आपके पास में सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या आया, आपके पास में 2 आएगा डेरिवेटिव, ये क्या होगा 2, यहां पर डेरिवेटिव इसका 2x का 2 आएगा और आपके पास में देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद आप यहां पर अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस का आपके पास में क्या जाएगा, आपके माइनस का 2x और माइनस 1 आएगा और अपॉन में आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करेंगे आपके पास में dy अपॉन dx इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये तो कट गया आपके पास में माइनस 3 और अपॉन में क्या आया आपके पास में x स्क्वायर माइनस 2xn प्लस 1। क्लियर है बच्चे?